हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। तो जैसा आप जानते हैं, क्लास फोर रिक्रूटमेंट के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको JKSSB क्लास फोर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सबकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन इन प्लेलिस्ट पे जाकर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है सैम्पल पेपर्स, जिसमें हर सेक्शन के डिफरेंट आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लेलिस्ट टैब में जाके सैम्पल पेपर्स ज़रूर देखिए, इनको सॉल्व कीजिए। तो जैसा आप जानते हैं कि 100 में से 20 मार्क्स जो है वो आपके बेसिक रीजनिंग के हैं, और ये 8 टॉपिक्स सिलेबस में मैंशनड है जिसको आपने प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, जो JKSSB क्लास फोर रीजनिंग इस नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएंगे। ये कौन से टॉपिक्स हैं? वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजीज और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स का पार्ट वन आपको वहाँ मिल जाएगा। पार्ट टू आज हम करेंगे और आने वाले दिनों में बाकी के टॉपिक्स भी सारे के सारे कवर किए जाएंगे। तो आई रिकमेंड कि आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपकी टॉपिक्स मिस ना हो एंड आपको पूरी प्रैक्टिस जो है वो मिले। ब्लड रिलेशन पार्ट वन के एंड पे जो ट्राई दिस योरसेल्फ क्वेश्चन था उसका आप आंसर देख लेते हैं। बट उसको सॉल्व करने से पहले जो फैमिली ट्री हम बनाते हैं उसके जो रूल्स है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या रूल्स थे हमारे पास? सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि मेल्स को आपने प्लस साइन से और फीमेल्स को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट रूल ये था कि अगर आपको मैरिड कपल शो करना है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, तो अगर ए और बी मैरिड कपल हैं तो उनके बीच में ऐसे आप डबल लाइन से उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर ए हस्बैंड है तो उसके ऊपर प्लस साइन, बी वाइफ है तो माइनस साइन। एक और रूल था कि अगर आपको जनरेशन्स का गैप दिखाना है, यानी ए और बी का अगर कोई सन है या डॉटर है तो वो एक जनरेशन नीचे कैसे दिखाना है, वर्टिकल लाइन से। अगर हम देखें एक्स जो है वो इनका सन है यानी मेल, तो उसको ऐसे वर्टिकली नीचे दिखा देंगे। अगर इनकी एक डॉटर है वाई, तो उसको भी इस तरह शो कर सकते हैं। एक्स और वाई जो है ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, तो इनको सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे इस तरह से। तो ये कुछ आपके बहुत बेसिक रूल्स हैं, इनको यूज़ करके अब हम ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो हम बना लेंगे ए और बी जो कि एक मैरिड कपल है यानी डबल लाइन, ए बींग द हस्बैंड यानी ए जो है वो मेल है प्लस साइन, बी जो है वो वाइफ फीमेल माइनस साइन। ओके, अब दिया है डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यानी सी जो है वो ए का ब्रदर है, तो यहाँ पर हम सी बना लेंगे। और ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन है, ए और सी जो है वो ब्रदर्स हैं, तो इनको सिंगल लाइन से सेपरेट कर लेंगे। और साथ ही दिया था डी जो है वो ओनली सन है सी का, तो सी का सन है यानी एक जनरेशन नीचे होगा डी, और सन है यानी मेल मेंबर प्लस साइन बना देंगे। अब आपको दिया गया है ई जो है वो सिस्टर है डी की सिस्टर है, यानी सिंगल लाइन से आप इसको सेपरेट करके बना लीजिए, ई सिस्टर है यानी कि माइनस साइन लगा दो फीमेल के लिए। तो इस तरह से कुछ आपका ये फैमिली ट्री बनेगा। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? ये जो दो है ये ब्रदर्स हैं, सी जो है फादर है डी का और साथ ही ई का भी फादर है क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स थे, राइट। साथ ही ए की वाइफ जो है वो है बी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए। जब भी हमें पूछा जाता है ई का रिलेशनशिप ए से, तो हम अपनी डायग्राम में ए से होते हुए ई की तरफ जाएंगे। सो लेट्स सी, ए का ब्रदर है सी, ठीक है, और इस ब्रदर की जो डॉटर है वो है ई, राइट। तो यानी ए के हिसाब से देखा जाए तो ए के ब्रदर की डॉटर है ई। ब्रदर की डॉटर कौन होती है? नीस। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, नीस। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, और इनमें पूछा गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो इन क्वेश्चंस को हमने कैसे अप्रोच करना है? फैमिली ट्री बना के कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ब्रदर लिखेंगे मदर लिखेंगे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने राइट साइड से हमेशा इस सेंटेंस को पढ़ना है,
हर मदर यानी वुमन की जो मदर है, तो ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। अगर आप देखें तो मदर के जो भाई होते हैं, ब्रदर होते हैं, वो कौन होते हैं? अंकल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सन ऑफ हर अंकल। ये अंकल हमने कैसे लाया? रिप्लेस कर दिया ब्रदर ऑफ हर मदर को। ये जो ब्रदर ऑफ हर मदर लिखा है इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह सीधा अंकल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये मैन कौन है? सन ऑफ हर अंकल। अंकल का जो सन होता है कौन होता है? वो कौन होगा? कजिन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कजिन। मैन जो है वो उस वुमन का कजिन होगा। तो आपने देखा बिना फैमिली ट्री बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी अंजू सेज, और एंड में क्या पूछा गया है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अंजू, ठीक है। तो देखते हैं अंजू ने उस लेडी के बारे में क्या बोला। अंजू ने बोला शी इज द सिस्टर, किसकी सिस्टर है? ऑफ माई ब्रदर्स मदर, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन विल सॉल्व। अंजू ने बोला माई ब्रदर्स मदर, पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस रीड करना। एंड लेट्स सी, अगर अंजू कह रही है माई ब्रदर्स मदर, अगर अंजू कह रही है कि माई ब्रदर्स मदर, मेरे भाई की मदर, तो वो अंजू की भी तो मदर होगी, राइट। तो आप देख सकते हैं माई ब्रदर्स मदर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मदर। इसकी जगह अगर लिख लिया मदर, किसकी मदर है? अंजू की। अब राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, तो सिस्टर ऑफ अंजूज मदर कौन होगी? अंजू की आंट। मदर की जो सिस्टर होती है वो होती है आंट। तो क्वेश्चन में दिया गया था अंजू जिस लेडी के बारे में बात कर रही है वो कौन थी? शी इज द सिस्टर ऑफ अंजूज मदर, तो वो कौन होगी? शी इज अंजूज आंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अंजू? द लेडी इज द आंट ऑफ अंजू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंट। क्वेश्चन थ्री देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ठीक है, एक बॉय की फोटोग्राफ है, उसको पॉइंट करके मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम क्या कह रहे हैं? ही इज द सन, यानी ये जो बॉय है ये कौन है? सन है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम इस सेंटेंस में राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ एंड से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो मिस्टर राम कह रहे हैं ओनली सन ऑफ माई मदर। अगर बात की जाए ओनली सन ऑफ माई मदर, अगर ऐसा कहीं मैंशनड है तो वो हमने पार्ट वन की शुरू में भी देखा था, वो क्या होता है? या तो आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे या अपने ब्रदर के बारे में, दो ही चीज़ें हो सकती है। अब अगर मिस्टर राम बात कर रहे हैं और ओनली सन यानी एक ही सन है, तो वो किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर राम के खुद के बारे में। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं सन ऑफ मिस्टर राम। तो ये सेंटेंस कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? ओनली सन ऑफ माई मदर की जगह हम लिख देंगे मिस्टर राम, तो सन ऑफ मिस्टर राम, ये बॉय कौन था? मिस्टर राम का सन। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय? अगर ये बॉय सन था तो मिस्टर राम इसके क्या हो जाएंगे? फादर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फादर। क्वेश्चन नंबर फोर, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अमर सेज, ठीक है, अमर जो है वो एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो क्या कह रहा है? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर। तो ये जो स्टेटमेंट दी है हमारी कोट्स में, इसको भी हम राइट से स्टार्ट करेंगे रीड करना। सबसे पहले हम देखेंगे डॉटर ऑफ माई फादर, अगर अमर बात कर रहा है और वो कह रहा है डॉटर ऑफ माई फादर, अमर है उसके फादर है एक जनरेशन ऊपर और फादर की एक डॉटर है, तो अगर आप देखें ये अमर की सिस्टर हो जाएगी। तो राइट से लेफ्ट जा रहे थे और हम देख रहे हैं कि ये डॉटर ऑफ माई फादर जो थी वो अमर की सिस्टर थी, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं, सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर था, यानी सन इस सिस्टर का सन है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अमर क्या कह रहा था बॉय के बारे में? कि ही इज द सन ऑफ, ठीक है, ये जो सन की बात हो रही थी यही वो बॉय है जिसका हमने रिलेशन बताना है अमर के साथ, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अमर। तो अगर अमर की सिस्टर का सन था तो वो कौन होता है? नेफ्यू। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड, ठीक है, और एंड में पूछा भी गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन।
तो लेट्स सी, ये मैन जो है वो क्या कह रहा है. हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर. तो यहाँ पर भी हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे. तो सबसे पहले हम डील करेंगे ओनली सन ऑफ माय फादर इज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ. तो मैन अगर है और वो कह रहा है ओनली सन ऑफ माय फादर, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है. तो ओनली सन ऑफ माय फादर की जगह हमने लिख लिया मैन. अब देखिए, हर फादर इज द मैन, यानी जो वुमन थी उसके फादर कौन है, वो मैन खुद, यानी जिस वुमन की बात हो रही है वो उस मैन की क्या होगी, वो उस मैन की डॉटर होगी. क्वेश्चन में बट पूछा गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन. अगर ये वुमन उसकी डॉटर है तो मैन कौन हो जाएगा, फादर. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, फादर. तो ये जो रिलेशन था ये बहुत इजी था. तो यहाँ पर एक मैन था जो कि अपनी डॉटर के बारे में बात कर रहा था, बट उसने थोड़ा सा घुमा दिया कि उसके जो फादर है यानी वो खुद अपने बारे में बात कर रहा था. और अपने बारे में उसने क्या कहा कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर. अगर एक मैन कह रहा है कि ओनली सन ऑफ माई फादर, तो वो अपने बारे में बात कर रहा है. तो क्वेश्चन सिक्स देखते हैं. रीटा सेड अबाउट अ गर्ल, ठीक है, रीटा है जो बात कर रही है एक गर्ल के बारे में. तो रीटा क्या कह रही है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर. अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही अप्रोच करेंगे राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर की बात की जा रही है. अगर किसी की मदर है और उनके ब्रदर इन लॉ की बात की जा रही है, अगर मैं एम से मदर को डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, और आप इमेजिन कीजिए इन मदर की, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया क्योंकि फीमेल है, इन मदर की कोई सिस्टर है एंड दिस सिस्टर हैज़ अ हस्बैंड. तो ये जो हस्बैंड होंगे ये भी होंगे क्या, ब्रदर इन लॉ. और ये मदर हैं, इनके हस्बैंड है यानी कि फादर, ठीक है, और इस फादर के एक कोई भाई है, ठीक है, तो ये भी ब्रदर इन लॉ होंगे. तो दो तरीके हो सकते हैं कि ये जो मदर की बात यहाँ की गई है, इनके ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर के हस्बैंड या तो इनके हस्बैंड के ब्रदर. किसी भी केस में अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, ये रीटा की मदर की बात हो रही है, ठीक है. तो रिलेशनशिप जो हमने देखना है वो रीटा के साथ देखना है. तो इन एनी केस अगर ये ब्रदर इन लॉ यहाँ पर है या फिर ये वाले ब्रदर इन लॉ है, इन एनी केस रीटा के लिए वो कौन होंगे, रीटा के लिए होंगे अंकल. तो इन एनी केस ये जो ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर है, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं अंकल. और अब रीटा जिस गर्ल के बारे में बात कर रही थी वो क्या कह रही थी कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई अंकल. रीटा कह रही है मेरे अंकल की वो डॉटर है. तो अंकल की डॉटर कौन होती है, कज़न. इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कज़न. क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं. पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड, ठीक है, एक गर्ल बात कर रही है किसी लेडी के बारे में और गर्ल क्या कह रही है, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है. इसको देख के ऐसे घबरा नहीं जाने कि ये क्या बोल दिया है. आराम से इसको राइट टू लेफ्ट वैसे ही डील करेंगे जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस को कर रहे थे. तो सबसे पहले डील करेंगे माई फादर्स ओनली सन इससे, और बात कौन कर रहा था, गर्ल. तो अगर एक गर्ल कह रही है माई फादर्स ओनली सन, तो वो किसके बारे में बात कर रही होगी, वो खुद तो डॉटर है, शी इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रदर, ठीक है, ये गर्ल का, इस गर्ल की बात कर रहे हैं, इस गर्ल का ये ब्रदर होगा. अब बोला गया है ग्रैंड मदर ऑफ, ये जो भी हमने सिंप्लीफाई करके ब्रदर बनाया, इस ब्रदर की ग्रैंड मदर. अगर ब्रदर की ग्रैंड मदर है तो वो उस गर्ल की भी ग्रैंड मदर होगी. तो यानी ये पूरा ही सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड मदर. तो जैसा हमने देखा कि ये जो ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन यानी कि भाई, और भाई की ग्रैंड मदर यानी उस लड़की की भी ग्रैंड मदर, और वो लेडी कौन थी, लेडी उस ग्रैंड मदर जिनकी बात की जा रही है उनकी डॉटर इन लॉ है. तो लेट्स सी इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो ग्रैंड मदर की बात हो रही है वो मटर्नल है या पेटर्नल. मटर्नल यानी मदर की साइड से, और मटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी मदर की मदर, ठीक है. उसी तरह पेटर्नल रिलेशंस वो होते हैं जो फादर की साइड से होते हैं,
और पेटर्नल ग्रैंड मदर कौन होगी? पेटर्नल ग्रैंड मदर होती है फादर की मदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज बनाकर देखेंगे। तो पहला केस बनता है कि गर्ल है, शी हैज़ अ फादर, ठीक है, और फादर की मदर यानी लड़की के हिसाब से ग्रैंड मदर, ठीक है, और इन ग्रैंड मदर की जो डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है, डॉटर इन लॉ, तो ये कौन होगी? फादर की वाइफ हो सकती है यानी कि मदर। तो ऑप्शन तो दिया है मदर, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा भी हो सकता है ये जो ग्रैंड मदर है, इनके एक बेटे फादर हैं इस गर्ल के, एंड शी हैज़ अनदर सन, जिनको एक्स बोल लो, जो इस गर्ल के कौन होंगे? अंकल। तो इन अंकल की जो वाइफ होगी वो भी तो इनकी डॉटर इन लॉ होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी हमने बात की पेटर्नल ग्रैंड मदर यानी फादर की मदर के हिसाब से। एक और ऑप्शन हो सकता था कि इस गर्ल की मदर है एंड देन गर्ल की ग्रैंड मदर, ये कौन होगी? मटर्नल ग्रैंड मदर, है ना, मदर की मदर है। अब इस केस में जो ग्रैंड मदर है उनके कोई सन हो सकते हैं यानी मदर के भाई, और इन सन की एक वाइफ होगी जो कि ग्रैंड मदर की क्या होगी? डॉटर इन लॉ। तो इस केस में इस गर्ल की कौन हो जाएगी? आंट। तो आप नहीं बता सकते कि ये लड़की जिस लेडी की बात कर रही है वो आंट है या वो मदर है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसमें क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टू अ पर्सन अमित सेड हिज ओनली ब्रदर, यानी ये जो पर्सन है उसका ओनली ब्रदर कौन है? फादर है किसका? माय डॉटर्स फादर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के अलावा आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों ही सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर रेगुलरली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी और आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।